नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सामाजिक अनुहार का संज्ञानात्मक मॉडल, यानी इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव मॉडल ऑफ प्रोसोशल बिहेवियर। इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसका अर्थ, यानी कि जो संज्ञानात्मक शब्द है इसके साथ एक शब्द जोड़ दिया हमने मॉडल, इसका अर्थ क्या है। यानी संज्ञानात्मक जो मॉडल एक सैद्धांतिक थियोरेटिकल यह वैचारिक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जो संज्ञानात्मक विकल्पों की श्रृंखला। यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकल्प होते हैं इनको अंग्रेजी में कहते हैं कॉग्निटिव चॉइसेस, यानी कि आपकी जो विकल्प क्या है, आपकी जो चॉइसेस क्या है, मस्तिष्क में जो विचारधारा आपके चलती है उसके पश्चात आपकी क्या चॉइसेस हैं, उसे हम संज्ञानात्मक विकल्पों की श्रृंखला कहते हैं, के संदर्भ में समर्थित सामाजिक व्यवहार को बताता है। यहाँ पर एक बात आप समझेंगे कि कोई भी आपके मस्तिष्क में जो विचारधारा चलती है, किसी घटना, किसी इवेंट या किसी व्यक्ति के प्रति जो घटना चलती है, वो विचारधारा जो चलती है वो एक श्रृंखला में चलती है, और उसी के संदर्भ में अगर हम किसी सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं जिसकी हम प्रोसोशल बिहेवियर की हम बात करते हैं, तो उसके संदर्भ में जो आपकी विचारधारा चलती है उस विचारधारा का क्या परिणाम होता है और उस का जो आउटकम होती है, जो मदद हम करते हैं या नहीं करेंगे, उसे हम संज्ञानात्मक मॉडल कहते हैं। किसी की मदद करने से पहले व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अनियमित और अव्यवस्थित विचारों के बीच उलझना पड़ता है, क्योंकि जो विचारधारा चलती है वो रेगुलर नहीं होती और ना ही कोई उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन होता है, ना ही कोई रैशनल लॉजिक होता है कि एक के बाद एक विचार ऐसे आएंगे। अनियमित और अव्यवस्थित विचारों के बीच व्यक्ति को उलझना पड़ता है और इन विचारों के मंथन के आधार पर, यानी जब आपने किसी के बारे में सहायता करनी है या नहीं करनी है उसके बारे में आपको कुछ विचार आए, उसके बाद उनका मंथन होता है, जो सारा आंतरिक प्रक्रिया है उसके मंथन के आधार पर सहायता देने के बारे में निर्णय लिया जाता है। यही होता है संज्ञानात्मक मॉडल का अर्थ। आप देखिए, ये एक मैंने छोटा डायग्राम आपके सामने दिखाया है जिसमें अलग अलग कलर के जो वृत्त हैं, गोले हैं या सर्कल हैं, इनमें कुछ बातें लिखी गई हैं। ये सारे क्या है, एक विचार प्रक्रिया है, कैसे कैसे अलग अलग टाइप के विचार आते हैं और उनका मंथन होता है, और उस मंथन के बाद ये फैसला लिया जाता है कि इसकी व्यक्ति की सहायता करनी है या नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका कॉग्निटिव प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो आपकी चलती है, और इस सारी प्रक्रिया को ही संज्ञानात्मक मॉडल का नाम दिया गया है। अब ये होता क्या है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। यह मॉडल जॉन डार्ली और बिव लेटाने द्वारा 1970 में प्रस्तावित किया गया था, 1970 में इसको प्रपोज किया गया था। हुआ क्या था कि 1964 में एक नर्स थी जिसको किटी जिनोवेज के नाम से जाना जाता है, सुबह वो लगभग 3 बजे के आसपास अपने घर लौट रही थी, एक मर्डरर ने, एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी और ये हत्या का सिलसिला लगभग 1 घंटा चला। उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, यौन प्रताड़ना भी उसकी की गई, और कमाल की बात ही देखो, जिस कॉलोनी के आसपास ये हत्या हुई थी वहाँ पर लोगों ने अपनी खिड़कियों से झांक कर भी देखा, लगभग 38 लोग ऐसे थे जिन्होंने उस मर्डर को होते हुए देखा या कुछ लोग जिन्होंने उसकी चीखें सुनी, तो लेकिन मदद करने कोई नहीं आया और 1 घंटा ये प्रक्रिया चली। तो इस घटना को जॉन डार्ली और बिव लेटाने ने समझने की कोशिश की, उनको झकझोर दिया कि दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल साइकोलॉजिस्ट, यार ऐसा क्या हुआ कि 38 लोगों में से कोई भी मदद के लिए नहीं आया। मदद की बात तो आप छोड़िए, चलो अर्ली मॉर्निंग थी, किसी ने पुलिस को भी कॉल नहीं किया, ऐसा क्या था, ऐसा मानव व्यवहार क्या है, ऐसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या प्रक्रिया चली जिसने उस महिला की मदद नहीं करी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पर एक स्टडी की, शोध किया, और शोध करने के बाद उन्हें एक प्रभाव का पता लगाया कि हमारे अंदर एक प्रभाव होता है जिसे दर्शक प्रभाव यानी बाईस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है, और ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के प्रसरण के कारण होता है। ये होता क्या दर्शक प्रभाव, इसके पहले आप समझ लेते हैं। दर्शक प्रभाव जो है, एक सीधी सी बात यह है कि जितने ज़्यादा मदद लेने वाला व्यक्ति कोई है, अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है, उसके आसपास जितने ज़्यादा व्यक्ति मदद देने वाले होंगे
या जितने ज़्यादा व्यक्ति वहाँ इकट्ठे होते चले जाएंगे उसको मदद मिलने की संभावना उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये बाईस्टैंडर इफेक्ट है, यानी कि दर्शक प्रभाव संज्ञानात्मक प्रसंस्करण का परिणाम होता है। जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है दर्शक प्रभाव। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण यानी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग सहायता करने संबंधित फैसला लेने में मदद करता है, जिसे सामाजिक उन्मुख व्यवहार के संज्ञानात्मक मॉडल के रूप में जाना जाता है। यही संज्ञानात्मक मॉडल है। आगे देखिए, सहायता परक व्यवहार यानी कि प्रोसोशल बिहेवियर कह लो आप इसको, इसको हम सामाजिक उन्मुख व्यवहार भी कहते हैं, संचित जो स्टोर्ड होती है संज्ञानात्मक विकल्पों की श्रृंखला का परिणाम होती है। वही बात हम बार बार कह रहे हैं आपको कि जो कॉग्निटिव च्वाइसेज होती है, जो आपके मन में, आपके जो मस्तिष्क में स्टोर होती है, उसमें एक श्रृंखला होती है, उसकी एक सीरीज होती है, और उसका रिजल्ट जो आता है वो सहायता परक व्यवहार होता है। सामाजिक उन्मुख व्यवहार में शामिल होने से पहले व्यक्ति प्रारंभिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरता है। पहले एक प्रिलिमिनरी उसको फैसला लेना पड़ता है कि मैं यहाँ कुछ सहायता करने के लिए रुकूँ या न रुकूँ, या सहायता करने की जरूरत है कि नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। एक प्रारंभिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरता है, फिर वह स्थिति को आपातकालीन स्थिति की श्रेणी में वर्गीकृत करता है कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, क्या वो आपातकालीन है। अगर वो नहीं है तो उसके क्या फैसला करना है, और अगर है तो क्या फैसला करना है। आपातकालीन स्थिति की 5 विशेषताओं पर विचार करने के बाद व्यक्ति निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। जो आपातकालीन स्थिति है उसकी 5 विशेषताएँ होती हैं, और उन 5 विशेषताओं के बाद एक विचार करने की प्रक्रिया होती है, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। उन निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी 5 स्टेप होते हैं, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, लेट अस सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपातकालीन परिस्थितियों की विशेषताएं, सिचुएशंस होती है, इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, उसकी विशेषताएं जो दर्शकों के व्यवहार को प्रभावित करती है। सबसे पहले देखिए, आपातकालीन परिस्थितियां अनिश्चितता से भरी होती है, ये बिल्कुल क्लियर है, अनिश्चित होती है, और उसको किसी को नहीं पता वो कब हो जाए और वो क्या कर दे, ऐसी सिचुएशंस होती है, और बिना चेतावनी के आती है। कई बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बैठे हुए हैं, कोई आपके साथ कोई घटना घट गई, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, या आप सो रहे हैं तो कोई और घटना होगी, आप व्यवहार कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, क्लासरूम बिहेवियर है, घर पे है, समाज में है, अचानक से कोई घटना घट जाती है, ये बिना चेतावनी के आती है, यानी उनकी नहीं तो भविष्यवाणी की जा सकती है, और नहीं उनकी प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता उनका। अगली देखिए इनकी एक विशेषता देखो जो व्यवहार को प्रभावित करती है, वे असामान्य अबनॉर्मल होती हैं और यदा कदाई होती हैं। यदा कदा मतलब रेयर, बहुत कम, ऐसा नहीं कि हर रोज होती है और सामान्य होती है, ये बात देखें, यानी कि वो दे आर अबनॉर्मल अनयूजुअल एंड रेयर। आगे देखेंगे, हर आपात स्थिति की स्थितिगत मांगे विशिष्ट होती है, ये तो क्लियर है, जो भी कोई भी घटना घटेगी चाहे वो आपात हो या ना हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी नीड्स होती है, वो सब अलग अलग होती है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यूनिक होती है। कोई भी घटना घटती है तो उसकी, और इसीलिए क्या होता है, उनकी डिमांड्स अलग अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है हर स्थिति की, तो इसलिए हर स्थिति से निपटने के लिए जो व्यवहारिक कार्रवाई है, आपको बिहेवियरल एक्टिविटी है, वो भी अलग अलग करनी पड़ती है, उसमें एक जैसी नहीं कर सकते आप। आगे, आपातकालीन परिस्थितियां संभावित खतरों से परिपूर्ण होती है तथा नुकसान भी कर सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है, यानी कि जो खतरे बिल्कुल, अगर स्थिति को अगर आपातकालीन है तो श्योर है उसके अंदर कोई ना कोई खतरा होगा ही, और नुकसान भी करेंगे ही करेंगी। आगे देखिए, आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, बहुत ही अच्छी बात है ये कि इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स करना, बिहेवियर करना है। मान लिया जाए कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, अब उस टेररिस्ट अटैक होता है, दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि उस समय कोई ये नहीं देखते, जो हमारी टीम होती है, क्विक रिएक्शन टीम्स होती हैं, रैपिड एक्शन फोर्सेज होती हैं, हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं या पुलिस सर्विसेज हैं, जो वो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आतंकवादी हमला होगा, अब क्या करें, अब ये करना चाहिए, चलो तुम इकट्ठे हो जाओ, चलो थोड़े सोचते हैं। वी हैव टू टैकल इट इमीडिएटली, हमें तुरंत उसका रिस्पॉन्स करना होता है, और आपातकालीन स्थिति की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि तत्काल प्रतिक्रिया की उसके अंदर आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, आपातकालीन परिस्थितियों की विशेषताएं, दर्शकों में आपने बहुत सारे दर्शक हैं, कोई स्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है, वो क्या करते हैं, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला की शुरुआत करती है कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ, ये कौन था, इनके साथ ये क्या हुआ, कैसे इसकी मदद करें, मदद करें या ना करें, मैं ही क्यों करूं, और भी लोग खड़े, ये सारी जो प्रक्रिया, सोच विचार की प्रक्रिया चलती है ना,
इसको हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद चलो यार एम्बुलेंस को फ़ोन करो, आपने फ़ोन उठा के फ़ोन लगाया, ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है क्योंकि आपने व्यवहार किया। अरे साइड में हटो, इसको हवा आने दो, तो भी एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। अरे ये तो हमारा रिलेटिव है, ऑल दीज एक्टिविटीज जो व्यवहार वो व्यवहारिक प्रतिक्रिया, यानी कि जो आपातकालीन स्थिति की जो विशेषता है ना दर्शकों के अंदर संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला, एक चेन की शुरुआत करती है। और जिसके 5 सोपान होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए आप, व्यक्ति देखता है कि कुछ चल रहा है, कुछ हुआ है, यानी कोई घटना हुई है, पहला स्टेप। दूसरी घटना, दूसरा स्टेप देखिए आप, व्यक्ति द्वारा किसी स्थिति के एक आपात स्थिति के रूप में व्याख्या करना, कि वो देखता है, वर्गीकृत करता है कि ये स्थिति जो है इस व्यक्ति को मदद चाहिए कि नहीं चाहिए, यह स्थिति आपात एमरजेंसी है कि नहीं। उस स्थिति को आपातकालीन स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है जिसके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर वो स्थिति आपातकालीन है तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद देखिए, जिम्मेदारी की तीव्रता महसूस करता है कि भाई जिम्मेदारी लेनी है मुझे, कि मुझे जिम्मेदारी के संदर्भ में मदद करने की इच्छा होती है उसकी या ना हो, भी तीव्रता होती है उसके इंटेंसिटी। और अगला देखिए, सहायता का प्रकार, चौथा स्टेप इसका ये कि हमें सहायता किस प्रकार की जाए, कुछ पैसे से मदद की जाए, उसको उठाया जाए या उसको बैठाया जाए या एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाए किसी प्रकार से। और आगे आखिरी स्टेप देखिए इसका, सहायता पर कार्रवाई का विकल्प, अगर हमें सहायता पर कार्रवाई करनी है तो क्या करनी है, कौन सा ऐसा विकल्प है, यानी वास्तविक समय के अनुसार हमें कार्रवाई करनी है और इसको लागू करता है। ये 5 स्टेप हो गए, यानी 5 उसकी विशेषताएं, और 5वें स्टेप से गुजरकर आदमी फैसला लेता है कि उसकी कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। अब देखिए, दर्शक प्रभाव, बाईस्टैंडर इफेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, संज्ञानात्मक रूप से इन 5 चरणों से गुजरता है। यदि आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है तो व्यक्ति सकारात्मक सहायतापूर्वक व्यवहार करता है, और इन 5 चरणों से गुजरते वक्त यदि किसी भी स्तर पर व्यक्ति नकारात्मक व्यवहार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निश्चित रूप से सहायतापूर्वक व्यवहार खतरे में पड़ जाता है। अब आओ आगे देखिए, ये 5 स्टेप है। जैसे पहला स्टेप कुछ चल रहा है, कुछ हुआ है, दूसरा देखिए आपात स्थिति के रूप में व्याख्या करना, तीसरा देखिए जिम्मेदारी की तीव्रता महसूस करना, सहायता का प्रकार, और अंतिम देखिए सहायतापूर्वक कार्रवाई का विकल्प। इन सभी स्टेप्स के अंदर अगर व्यक्ति की हाँ होती है, 5वें स्टेप में हाँ होती है तो व्यक्ति मदद करता है, और किसी भी स्टेप में अगर उसकी नो होती है या नहीं होता है या इसको नहीं करना है तो व्यक्ति कोई मदद नहीं करता है। यानी 5 ये स्टेप है। डियर फ्रेंड्स, ये था आपका संज्ञानात्मक मॉडल प्रोसोशल बिहेवियर का। ये मेरे रेफरेंसेज हैं, ये कहाँ से मैंने लिया है, मुख्य रूप से डार्ले और लटाने का ही कंसेप्ट है, तो मुख्य उनका एक रिसर्च पेपर जहाँ से मैंने ये सब कुछ लिया है। और अगला जो हमारा व्याख्यान होगा, आक्रामकता यानी एग्रेशन, उसका अर्थ, प्रकृति और विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू।